बिल्कुल हम नीचे से दिखाएंगे, बिल्कुल हम रिस्क लेंगे दोस्तों। पास में आ गए हैं रिस्क लेकर, बहुत ही सुंदर नजारा है दोस्तों। ओ वंडरफुल, लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। गजब, अद्भुत शानदार वाटरफॉल दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम कैमूर के हरी भरी वादियों, पहाड़ और वाटरफॉल की यात्रा कर रहे हैं। कैमूर के जन्नत की यात्रा कर रहे हैं, बिहार के जन्नत की यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों अभी तक हमने आपको तेल्हार वाटरफॉल आपको दिखाया, होप आप हमारी यात्रा को एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम आपको एक ऐसे वाटरफॉल की यात्रा करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं जो पूरी तरह से अनडिस्कवर्ड है, उसके बारे में कोई नहीं जानते, केवल यहाँ के लोकल लोग जानते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं भभुआ अधौरा के बीचों बीच तेल्हार कुंड मोड़, और यहीं से हम पंचगोटिया चांददरी वाटरफॉल की यात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और हमें कुसहवा मोड़ जाना पड़ेगा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हालांकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, फिर भी हम आज पैदल या किसी से लिफ्ट लेकर यात्रा करेंगे। दोस्तों अभी हम बाइक से कुसहवा मोड़ चलेंगे, चलिए। वाओ, दोस्तों अब हम कुसहवा मोड़ आ गए हैं। दोस्तों तेल्हार कुंड मोड़ से 7 किलोमीटर की यात्रा करके बाइक से हम कुसहवा मोड़ आ गए हैं और ये मुरंग वाला रास्ता है और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। दोस्तों पैदल ही जाना पड़ेगा, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है और पहली बार किसी मीडिया की वहाँ तक पहुँच होगी। दोस्तों और रास्ते में हमको दो राहगीर मिल गए हैं, तो ये बताइए कि यहाँ से हमको कहाँ जाना पड़ेगा चांददरी जाने के लिए? दहार जाना है। दहार गांव में? हाँ दहार गांव में। अच्छा दहार यहाँ से कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। अच्छा दहार से फिर चांददरी कितना दूर पड़ेगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, तो कोई साधन नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ पैदल। और यहाँ से बिल्कुल पक्की सड़क मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से एक सड़क और निकला है, शायद यही दहार जाएगा। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है 1.9 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर दहार जाने का रास्ता है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर भी दो रास्ते हैं दहार जाने के लिए, पता नहीं कौन सा रास्ता है। चलिए सीधे चलते हैं, लोगों से पूछे गांव में जा कर के। यस, हम सही रास्ते पर हैं, यही दहार जाने का रास्ता है दोस्तों। और अब हम थोड़ी ही देर में दहार गांव पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल सीधे आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों चांगदर पंचगोटिया वाटरफॉल जाने के लिए हम दहार गांव से बाहर आ चुके हैं और यहां पर नदी पार करना पड़ता है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों। और यहां से बहुत ही डिफ़िकल्ट हमारी जर्नी शुरू होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप अकेले जा ही नहीं सकते, आप भूल जाएंगे। लेकिन हम इस मुश्किल यात्रा को ज़रूर पूरा करेंगे दोस्तों, और आपको भव्य अद्भुत चांगदर पंचगोटिया वाटरफॉल आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों चलिए अब सुवेरा नदी को पार करते हैं और चांगदर की खतरनाक यात्रा, अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। बड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है दोस्तों, मेरे लिए बिल्कुल अननोन यात्रा है दोस्तों, जिसके बारे में हम जीरो जानते हैं, पर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति वहाँ तक हमको ज़रूर पहुँचाएगी। दोस्तों इधर कोई घर भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं, हम किससे पूछे किधर जाना है। अच्छा एक आदमी नज़र आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, रास्ता पूछेंगे। अंदर किधर पड़ेगा? अच्छा यही रास्ता है, या राइट, सही रास्ते पर है दोस्तों, इसी रास्ते में हमें आगे बढ़ना है। और दोस्तों बिल्कुल सीधे जाना है, इस रास्ते में कहीं मुड़ना नहीं है।
यहाँ पर भी दो रास्ते हैं दोस्तों, एक राइट भी है एक लेफ्ट भी है। अब किधर से जाना है समझ में नहीं आ रहा है, चले लेफ्ट से ही चलते हैं, हो सकता है वही रास्ता हो। हाँ ये भी रास्ता है और एक चौड़ा रास्ता लग रहा है, तो हो सकता है यही रास्ता हो। चलिए इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से भी दो रास्ते हैं, लेफ्ट में राइट में। चलिए राइट से ही चलते हैं, ये राइट थोड़ा सा चौड़ा रास्ता लग रहा है। और यहाँ पर भी दो रास्ते हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, और दोनों चौड़े चौड़े रास्ते हैं। अब जाना किधर से ही समझ में नहीं आ रहा है, ये भी चौड़ा रास्ता है ये भी चौड़ा रास्ता है। चलिए हम सीधे ही चलते हैं। दोस्तों चांगदरी वाटरफॉल जाने के लिए हम घने जंगलों से होकर गुजर रहे हैं इस रास्ते से, लेकिन हमको ये पता नहीं कि रास्ता जाएगा कहाँ। हम चल रहे हैं लेकिन पता नहीं कि हम कहाँ चल रहे हैं, लेकिन हम इसी रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए हम वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं। और यहाँ पर लग रहा है कि रास्ता बंद हो गया है, कहीं आकर हम फंस तो नहीं गए हैं, लग तो यही रहा है, बिल्कुल खेत ही खेत है। और इधर तक बिल्कुल क्लियर रास्ता नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करें, किधर जाएं? अच्छा आगे मड़ई नजर आ रहा है, चलिए खेत खेत होकर, हाँ कुछ लोग मिल गए हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पर, हम उनसे चल करके पूछते हैं कि आखिर रास्ता किधर से है। दोस्तों आशा की किरण हमें दिखाई पड़ गई है, दोस्तों सामने दो लोग नजर आ रहे हैं पेड़ के नीचे, हम उन्हीं से बात करेंगे रास्ता पूछेंगे। और दोस्तों यहाँ से रास्ता नहीं है, हमें अब खेत खेत होकर के जाना पड़ेगा, और भाई साहब आगे आगे चल रहे हैं, यहाँ से ये रास्ता हमको बताएंगे, तो यहाँ से भटकने का चांस नहीं है, वैसे हम भटक ही गए थे दोस्तों। और दोस्तों अभी हम चरगोड़ी से होकर के गुजर रहे हैं, इसको चरगोड़ी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ चरगोड़ी से हम खोहड़िया जा रहे हैं, और खोहड़िया से चांगरी जाने का रास्ता है दोस्तों, वाटरफॉल जाने का रास्ता है। और फिर हम जंगलों से होकर गुजर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अब हम भटके हुए नहीं हैं, हमारे आगे आप देख रहे हैं दो लोग हैं, दो राहगीर हैं जो अपना भैंस खोजने के लिए निकले हैं, उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। और दोस्तों अब हम खोहड़िया नदी आ गए हैं, सामने आप देख रहे हैं, और खोहड़िया नदी के किनारे किनारे से हमें आगे चलना है। और दोस्तों यहाँ से हमको खोहड़िया नदी पार करना पड़ेगा, और दोस्तों खोहड़िया से आगे एक जंगल पड़ता है, और अभी हम जंगलों से होकर गुजर रहे हैं, घने जंगलों से होकर। और राहत की बात है कि हमारे साथ दो तीन चरवाहे भी हैं, इसलिए अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों घने जंगलों की यात्रा करते हुए हमको एक घर नज़र आया है, मंदिर जैसा नज़र आ रहा है दोस्तों, और इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि कीड़ों ने बनाया है दोस्तों। आप देख रहे हैं भव्य राजमहल छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा बनाया गया, और अंदर की नक्काशी आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, भव्य नक्काशी होती है। वाह, इतना छोटा छोटा कीड़ा इंसान से समझदार हो सकता है, रियली अमेजिंग, हमने सुना था आज देख लिया दोस्तों। और दोस्तों थोड़ी ही देर में हम चांदनी वाटरफॉल कुंड पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और आप जन्नत का दीदार करने वाले हैं दोस्तों, बेहद खूबसूरत जगह आज हम आपको दिखाने वाले हैं, धरती का स्वर्ग। वाह दोस्तों आखिरकार
नमस्कार। हम तिलहार कुंड से कठिन यात्रा करके हम चांदनी वाटरफॉल पचगोटिया वाटरफॉल आ चुके हैं दोस्तों। मेरे पीछे आप देख रहे हैं और यहाँ स्वर्ग सा नज़ारा है, हम कह नहीं सकते। जब आसपास का सीन आप देखेंगे तो कह उठेंगे कि बिहार में भी इतना खूबसूरत जगह हो सकता है। रियली गजब सीन है दोस्तों, स्वर्ग सा दृश्य सामने। लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं और सामने आप देख रहे हैं वाटरफॉल। और दोस्तों चांदनी वाटरफॉल के जस्ट बगल में चंदरिया माता का मंदिर भी है, जिभिया माता का मंदिर। अभी माता का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम आपको वाटरफॉल का भव्य नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। अभी माता जी का दर्शन करने के लिए इधर से जाना होगा नीचे। जीभ जैसी आकृति, पत्थर की आकृति, पहाड़ की आकृति, जिभिया माई भी इनको बोलते हैं दोस्तों। अभी हम माता जी का दर्शन कराते हैं, जिभिया माई का दर्शन कराते हैं दोस्तों। वो रियली गजब अद्भुत शानदार वाटरफॉल दोस्तों, आप देख रहे हैं नीचे कुंड। और दोस्तों अब हम आपको आसपास की हरी भरी वादियां दिखा रहे हैं। वो वंडरफुल अद्भुत शानदार। और दोस्तों ये वाटरफॉल का पानी जो अभी आप देख रहे हैं, यही पानी करमचट डैम में जाकर के जमा होता है दोस्तों। यही आगे करमचट डैम है दोस्तों, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे, वहाँ का भी स्वर्गीय दृश्य आपको दिखाएंगे। रियली ये बिहार में ऐसा जगह। रियली गजब, एक लय में पानी गिर रहा है, आप झरने की आवाज़ सुनिए, मदमस्त हो जाएंगे, प्रकृति के सुमधुर संगीत को सुनिए। और अभी हम आपको बिल्कुल वाटरफॉल के पास आपको लेकर के चलेंगे और वहां से अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे जहां से वाटरफॉल का ओरिजिनेशन होता है, जहां से वाटरफॉल निकलता है दोस्तों। बड़ी ही कठिन अभी हमारी यात्रा होने वाली है, अभी बाकी है दोस्तों। रियली वंडरफुल अद्वितीय सीन, गजब, लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। बिहार में भी इतना खूबसूरत जगह, अनबिलीवेबल पर है सच्चाई, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं। चलिए चंदरिया माता से वाटरफॉल के पास आपको लेकर के चलते हैं, जहां से झरना का ओरिजिनेशन हो रहा है दोस्तों, और वहां से स्वर्गिक दृश्य आपको दिखाने वाले हैं पहली बार। और दोस्तों इधर से रास्ता है जाने के लिए वाटरफॉल के पास। दोस्तों यहां से घने जंगल और खाइयां शुरू हो जाती हैं और यहां से रास्ता नजर नहीं आ रहा है किधर से हम चले वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो आप झाड़ी देख रहे हैं इसके बाद नदी है जो वाटरफॉल के रूप में कुंड में गिरता है दोस्तों। और यहाँ से रास्ता है, ये आप देखिए लीक बना हुआ है, और इसी रास्ता से हम वाटरफॉल तक चलेंगे दोस्तों। और दोस्तों थोड़ी देर में हम वाटरफॉल के बिल्कुल पास ले जाने वाले हैं दोस्तों, और आप स्वर्ग सा नज़ारा देखने वाले हैं थोड़ी देर में, और पास से आपको वाटरफॉल का नज़ारा दिखाएंगे पहली बार। अमेजिंग, वो वंडरफुल, आप देख रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध झरनों में से एक चांदनी वाटरफॉल। रियली ब्यूटीफुल दोस्तों, यह कसीन जन्नत से कम नहीं है। और दोस्तों यही झरनों से पानी गिरता हुआ पहाड़ों से होकर के आता हुआ नीचे कुंड में गिरता है, और अभी हम आपको बिल्कुल पास से दिखाएंगे, बिल्कुल हम नीचे से दिखाएंगे, बिल्कुल हम रिस्क लेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा सीन बार बार देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल नीचे चलेंगे हम दोस्तों, हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, बिल्कुल पास से आपको वाटरफॉल दिखा रहे हैं, चांदनी वाटरफॉल। और आसपास का नज़ारा आप देखिए, वंडरफुल। ओह
वंडरफुल दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं चांदनी वाटरफॉल। बिल्कुल हम वाटरफॉल के पास में आ गए हैं रिस्क लेकर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेने के लिए, आपके दिखाने के लिए बिल्कुल हम पास में आ गए दोस्तों पहली बार। दोस्तों अभी हम आपको चांदनी वाटरफॉल बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, जो नीचे पानी गिर रहा है नीचे कुंड में। पहली बार आप देख रहे हैं दोस्तों इतना भव्य नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, अमेजिंग। दोस्तों अब हम इस वाटरफॉल में स्नान करने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। दोस्तों इस वाटरफॉल में स्नान करके बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, रास्ते भर की सारी थकावट मिट गई दोस्तों। हम कह नहीं सकते कितना आनंद आया दोस्तों। दोस्तों कल चांदनी वाटरफॉल की यात्रा करते करते काफ़ी रात हो गई थी, तो कल की रात हमने यहीं दहार गांव में बिताया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गांव के लोग, और गांव के लोगों ने हमारा काफ़ी स्वागत किया। यहाँ गांव के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल नेचुरल लाइफ जीते हैं दोस्तों। यहाँ पर लकड़ी पर खाना बनता है, यहाँ पर गैस किसी के घर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर लोग मोबाइल यूज नहीं करते, लोगों में बहुत प्रेम है दोस्तों। और यहाँ खेती और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है, और यहाँ पर अधिकतर मिट्टी के मकान हैं दोस्तों, लेकिन अब पक्के के मकान भी बनने लगे हैं। तो यहाँ पर रह करके रात बिता करके बहुत अच्छा लगा। हम कह नहीं सकते जो हमने वाटरफॉल में इंजॉय किया उतना इंजॉय हमको यहाँ मिला, यहाँ पर रात बिता करके दोस्तों। तो पहाड़ के लोग रियली बहुत ही इंजॉयफुल लाइफ जीते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे की यात्रा, आगे खतरनाक यात्रा, रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं।